हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3DS में। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप एक कर्व सरफेस में जाली पैटर्न लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैक्स में जाली इंपोर्ट कर लेता हूँ। कैसे जाली क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट जाली इन 3DS मैक्स, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जाली इंपोर्ट कराता हूँ अपने मैक्स में। ये एक जाली है और इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। इसका अमाउंट हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब मैं एक कर्व्ड सरफेस बनाता हूँ। प्लेन से मैं बनाता हूँ और इसको, इसके जो सेगमेंट है वो मैं बढ़ा देता हूँ, 50x50 लेता हूँ। और इसकी लेंथ थोड़ी और बढ़ा देता हूँ ऐसे में। और इसको कन्वर्ट करते हैं पॉली में और इसका सेगमेंट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉफ्ट सेलेक्शन ले लेता हूँ यहाँ से। और इसके बाद इसको मैं मूव करता हूँ ऊपर की तरफ ताकि ये कर्व्ड हो जाए। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक हमारा कर्व सरफेस बन गया, ठीक है। अब इसमें हमें इस जाली को फिट करना है, ठीक है, ताकि ये जो जाली का पैटर्न है ये इस कर्व में हमारा लग जाए। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम अपनी जाली का जो पैटर्न है वो इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसकी कॉपी भी ले सकते हैं, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए इसको बताता हूँ किस तरीके से ये काम करेगा। तो आपको जो जाली का पैटर्न जो लगाना है कर्व सरफेस पे, तो इसके इससे आपको इससे बड़ा लेना है, ठीक है। इसका जो एक्सट्रूड अमाउंट है वो इससे ऊपर हो, ठीक है। अब आपने अपना जो इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों की, ताकि एक बैकअप हमारे पे रहे। और ये आपने सेलेक्ट कर लेना है कर्व सरफेस, और आपने ज्योमेट्री में जाना है यहाँ से। ज्योमेट्री में यहाँ से कंपाउंड ऑब्जेक्ट में आपने जाना है और बुलियन आपको नज़र आएगा यहाँ पे, बुलियन को सेलेक्ट करना है। और यहाँ से आपने इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद आपने ऐड ऑपरेंड्स इस पे क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जाली को इस पर क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो वेट आपको करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, वाओ, देखिए ये जो जाली है ये हमारी किस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसके ऊपर लग गई है कर्व सरफेस पे, ये देखिए। अब इस पर आप चाहे तो इस पर शेल मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं इसकी, ये देखिए इस तरीके से। तो एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक जाली का पैटर्न और करके आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं एक शेप ले लेता हूँ जाली का, इंपोर्ट कराता हूँ मैं जाली नंबर 2, ठीक है। इसकी भी हम एक्सट्रूड ले लेते हैं, अमाउंट इसको 500, और इसके लिए भी मैं एक सरफेस बना लेता हूँ कर्व सरफेस। सेम प्रोसेस करेंगे हम, प्लेन मैं लूँगा और इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ पॉली में। के बाद वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा, सॉफ्ट यू सॉफ्ट सेलेक्शन, और ये हम बढ़ा देंगे अपना सेलेक्शन।
और इसको ऐसे कर्व कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये वाली जो जाली का पैटर्न है हम इसके ऊपर लगाएंगे, इसको मैं स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो एक्सट्रूड है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम, ठीक है। ये परफेक्ट है, अब इसको थोड़ा और कम कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी भी मैं कॉपी बैकअप रख लेता हूँ अपने पास। अब मैं सेलेक्ट करूँगा अपना कर्व सरफेस, ठीक है, और हम जाएंगे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में, और यहाँ पे कंपाउंड ऑब्जेक्ट आता है जिसमें बुलियन, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने इंटरसेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, और ऐड ऑपरेंडो इसमें आपने जाली को सेलेक्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे आप, तो गाइज आप देख सकते हैं ये हमारा शेप जो है वो कर्व सरफेस में, ये देखिए कितने परफेक्टली ये मूव हो गया है, ठीक है। इसमें हम शेल मॉडिफायर डाल देंगे, ये देखिए, तो इन दोनों को हम साथ में कर लेते हैं कुछ, तो आप ये दोनों शेप देख सकते हैं, ठीक है। इस हमने किस तरीके से ये शेप अपना जो जाली का शेप है ये कर्व सरफेस में लगा दिए हैं। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।